दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड भी खूब इस्तेमाल होता है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो क्रेडिट कार्ड जारी होने के काफी समय बाद भी अपना कार्ड एक्टिव नहीं करते और कर भी लेते हैं तो महीनों से इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो अलर्ट हो जाइए, जब आपका क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। नमस्ते, मैं रमन हूं और आप हैं मंच पर। इस वक्त बैंकों का ज्यादा फोकस कार्ड जारी करने के बजाय उन्हें एक्टिव कराने पर है। दरअसल आरबीआई ने ऐसे क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने का आदेश दिया है जिन्हें एक्टिव नहीं किया गया। इसके पीछे रिजर्व बैंकों की मंशा ये है कि बैंक ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड जारी ना करे जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। इसी के चलते बैंक ऐसे आइडिया ढूंढ रहे हैं कि वे कस्टमर्स अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिव कर लें जिन्होंने कार्ड जारी होने के एक महीने बाद भी इसे एक्टिव नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि अगस्त 2022 में निष्क्रिय क्रेडिट कार्डों की संख्या घटकर 22 लाख रह गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब बैंक जिन लोगों को कार्ड जारी कर चुके हैं उनसे एक महीने के अंदर कार्ड एक्टिव कराने के लिए अलग अलग तरीकों से जोर आजमाइश कर रहे हैं। HDFC बैंक में पेमेंट्स, कंज्यूमर फाइनेंस, डिजिटल बैंकिंग और IT के ग्रुप हेड पराग राव का कहना है कि इससे बिना जरूरत कार्ड जारी करने पर रोक लग जाएगी। वहीं जो बैंक फीस लेकर कार्ड जारी करते हैं उनका दावा है कि उनके एक्टिव कस्टमर्स ज्यादा हैं। जैसे कि SBI कार्ड के MD और CEO राम मोहन राव आमरा का कहना है कि वे फीस आधारित कार्ड जारी करते हैं, इसलिए उनके पास पहले से ही लाइफ टाइम फ्री कार्ड जारी करने वाले बैंकों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। तो आप भी याद रखें, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसे समय समय पर स्वाइप कराते रहें और जारी होने के बाद भी अगर एक्टिवेट नहीं किया है तो उसे एक्टिव जरूर कर लें। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।